अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएचएम कर्मचारियों का धरना आज 17वें दिन में पहुंच गया है और धरने के दौरान उनकी भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। भूख हड़ताल के तीसरे दिन हड़ताली कर्मचारियों की हालत अब बिगड़ने लगी है। अब शासन व प्रशासन के लिए सोचने वाली बात यह होगी कि हड़ताली कर्मचारियों को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की ही होगी। वहीं हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। आज धरने के 17वें दिन भी हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आज एनएचएम कर्मचारियों ने बुधवार को हुए सड़क हादसे में एनएचएम कर्मचारियों की एक सदस्य की मौत होने पर 2 मिनट का मौन धारण भी किया। बता दें कि बुधवार को झज्जर कोसली मार्ग पर शादी से लौट रहे थे तो एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्य व एक अन्य की मौत हो गई थी। उसी को लेकर आज एनएचएम कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। जी बताएं, आज एनएचएम कर्मचारी की हालत खराब है, इसके बारे में ये बताना चाहते हैं आपको कि आज हड़ताल का 17वां दिन है और लगातार हम जो है 72 घंटे ही अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। आज अनशन का जो है 48 घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद जो हमने कोई अन्न पानी नहीं खाया है अभी तक से। इसमें हमारी जो है 2 साथियों की तबीयत जो है वो उसमें पैदा हुई थी, अभी जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया था और उस बिगड़ने के उपरांत भी जो है अभी तक हमारे कोई विषय का प्रणी नहीं आया। हमने थोड़ा बहुत जो है जाँच वगैरह कर दें। और ये जो कल हादसा हुआ था कासनी कोसली रोड पे रैया के पास, उसमें बताया जा रहा था कि आशा वर्कर भी अभी बता रहे थे आप कहना चाहते हैं, उसमें आशा वर्कर थी, उसके बारे में आपको आशा वर्कर थी उसके अंदर और 2 बच्चे थे उसके और एक और तो 5 जो है टोटल लॉस हुए तो उनके जो है आत्मा की शांति के लिए जो है मैंने चलने जो है 2 मिनट का मौन रखा था और हम ये चाहते हैं उनको भी जो है जैसे और कर्मचारी होते हैं अगर वो पक्के होते हैं तो उनको जो है प्रोत्साहन राशि देती है सरकार, तो आशा वर्कर भी एक जो हिस्सा होते हैं जो समाज की सेवा करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो उनको भी जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन या मुआवजा दिया जाए या कोई दूसरी धंधा जिससे उनके बच्चे पढ़ सके या उनका परिवार का गुजारा हो सके। ऐसा पहले भी एक बार अच्छा हो चुका है, हमारा जो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसकी 2 पैर कट गए थे और सरकार ने उनको उठा कर घर पर भेज दिया था, लेकिन घर पर भेजना क्या वाजिब था उनका, जबकि सेवा सुरक्षा का हमने जो मांग रखी है वो इसी धर्म है। अब जब तक कर्मचारी सेवा सुरक्षा करता रहे तो उसकी रक्षा के लिए उनकी पेंशन हो या कोई ऐसा राशि प्रोत्साहन बढ़ाया जाए सेवा सुरक्षा लागू किया ताकि उसके बच्चे जो है बर्बाद ना हो गए और अपना जीवन बसर कर सके, इसलिए हमारी मांगें जायज हैं। एक वैसे ही काम जो कर्मचारी कर रहे हैं अपने टाइम पावर टाइम पर जाए इनसे ज़्यादा काम करें और तनख्वाह जो है चौथा हिस्सा कम मिल रहा उन्हें तो समान काम समान वेतन के बाद भी 8-8 बजे हो जाते हैं तनख्वाह नहीं मिल पाती। झज्जर से गौरव के साथ संजना छाबड़ा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।